बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कुछ कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण विचार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जब बीरबल ने अकबर के सवाल का दिया था हतकर्षी जवाब। एक दिन अकबर बीरबल से पूछने लगे, बीरबल तुम्हें यह बताओ कि कौन सा देश दुनिया का सबसे अमीर देश है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह जब हम जानते हैं कि हमारे देश में हमारे लोग खुशहाल हैं, खुश और समृद्ध हैं, तो हमारा ही देश सबसे अमीर है। अकबर को यह उत्तर पसंद आया, लेकिन वह बीरबल की चुटकुली में कुछ और देखना चाहते थे। वह उसको आगे के सवाल में बंध दिया, ठीक है बीरबल, तुम्हारे इस उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अब मुझे यह बताओ कि कौन सा देश दुनिया का सबसे गरीब देश है। बीरबल ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह वो देश सबसे गरीब होता है जहाँ के लोग खुश और संतुष्ट नहीं होते। अकबर थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बीरबल के इस उत्तर को समझ गए। उन्होंने बीरबल की समझ की सराहना की और उन्होंने समझा कि सच्ची धन संपत्ति और गरिमा मन में होती है, न कि केवल मैटेरियल चीजों में। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीरी और गरीबी की माप तो धन से नहीं बल्कि मानसिकता और संतोष से होती है। बुद्धिमान और समझदार लोग हमेशा अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रहते हैं, चाहे उनके पास धन हो या न हो। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल एक महान और बुद्धिमान मंत्री थे। वे राजा के सबसे निष्कलंक मित्र और सलाहकार थे। उनका समय राजा की समस्याओं का समाधान करने में बीतता था। एक दिन अकबर एक आदमी के साथ एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बात कर रहे थे। उस आदमी ने कहा, सम्राट मेरे बगीचे में मेरे पेड़ों के नीचे कुछ बागे हैं जो मेरे पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं उन्हें कैसे दूर करूं? अकबर ने कहा, ठीक है, हम यह समस्या बीरबल से सुलझवाने के लिए कहेंगे। अगले दिन अकबर और उस आदमी बीरबल के पास गए और समस्या के बारे में बताया। बीरबल ने विचार किया और फिर कुछ समय तक चिंतन किया। फिर उन्होंने कहा, राजा जी इस समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अकबर ने अच्युत किया, कौन सी शर्त है वो? बीरबल ने कहा, मेरी शर्त यह है कि आपको उस बागे में सबसे पहले चाहे जो बाग के नीचे हैं, उनके नीचे छिपी एक सोने की थाली को निकालनी होगी। अकबर के चेहरे पर हंसी आई और वह मुस्कराए, ठीक है मैं यह काम करूंगा। अकबर और उस आदमी बगीचे में पहुंचे और अकबर ने पहले पेड़ों के नीचे जाकर खोजना शुरू किया। वह बहुत खोज फासल के बावजूद कुछ नहीं पा सके। बीरबल ने यह सब देखा और वह हंसते हुए बोले, राजा जी अब आप तो जानते हैं कि इस समस्या का समाधान नाम मात्र हंसी से नहीं हो सकता है। अकबर शर्म से लाल हो गए और बीरबल से माफी मांगी। उन्होंने समझा कि हंसी से ही सब कुछ ठीक नहीं होता है और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमता की सराहना की। इसके बाद अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती और मजाक में और भी मजबूत हुई और उनके दरबार में हर दिन कुछ नई मजेदार कहानियां होती रहती थीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और हंसी से हर समस्या का समाधान नहीं होता है। बीरबल की बुद्धिमानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सोचना और काम करना चाहिए, हंसी से नहीं। पुराने समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध मंत्री थे जिनका नाम बीरबल था। बीरबल एक बुद्धिमान और समझदार आदमी थे जिनकी सलाह को बड़ा ही महत्व दिया जाता था। एक दिन सम्राट अकबर ने एक चुनौती दी। वह चाहते थे कि उनके सभी मंत्री एक दिन के लिए सिर्फ सच बोले बिना किसी झूठ के। वह चाहते थे कि कोई भी उनके दरबार में झूठ न बोले। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और दरबार में लोगों को इसके बारे में बताया। दरबार में एक आदमी आया और बोला, मेरे सम्राट मैंने आपके दरबार के बाहर एक सोने का हाथी देखा है। सम्राट ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि
क्योंकि हाथी का सोना सचमुच अद्भुत लग रहा था। वह सोचने लगे कि यह शायद झूठ है। अगले दिन एक और आदमी आया और बोला, मेरे सम्राट, मैंने आपके दरबार के बाहर एक सोने के पंख वाले पैगंडी का आदमी देखा है। सम्राट फिर से विश्वास नहीं किया, क्योंकि सोने की पंखों वाली पैगंडी भी बहुत अद्भुत थी। वह यह सोचने लगे कि यह भी शायद झूठ है। इसके बाद तीसरे दिन एक और आदमी आया और बोला, मेरे सम्राट, मैंने आपके दरबार के बाहर एक सोने के बर्तन की दुकान देखी है। सम्राट ने इस बार ध्यान दिया और सोचा कि तीनों में से कुछ तो सच होना चाहिए। वह बीरबल से मिलकर पूछे, बीरबल, तीनों में से कौन सच बोल रहा है? बीरबल ने सोचा और कहा, मेरे सम्राट, तीनों आदमी झूठ बोल रहे हैं। सम्राट आश्चर्यचकित थे, क्योंकि बीरबल ने सचमुच सही जवाब दिया था। वह समझ गए कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझ बहुत ही अद्भुत थी। सम्राट ने उस दिन से बीरबल की सलाह को और भी महत्वपूर्ण बना दिया और बीरबल ने हमेशा सत्य और न्याय की रक्षा की। यह बात हमें याद दिलाती है कि सच के प्रति आपकी ईमानदारी कभी भी बेहतर होती है, चाहे वो कितना भी अद्भुत लगे। इसी तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और समझ से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती का इतिहास बहुत ही मशहूर है। इस कहानी में हम एक ऐसे मौके पर जाएंगे जब बीरबल ने अकबर की होशियारी को परास्त किया। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मुश्किल सवाल पूछा, कोई ऐसा है जो मुझे वह चीज बता सकता है जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ और वह चीज उसकी नजरों के सामने है। दरबार में चुप हो गई, क्योंकि कोई भी मंत्री इस चुनौती का सामना नहीं करना चाहता था। अकबर का चेहरा मुरझा गया और वह सोचने लगे कि क्या ऐसा सवाल है जिसका जवाब वाकई मुमकिन है। तभी बीरबल उसे याद दिलाने लगे कि एक ऐसा चीज है जिसका नाम वह नहीं जानते और वह चीज उनकी आंखों के सामने है। वह चीज थी व्यक्ति की सच्ची भावनाएं और उसके अच्छे कर्म। अकबर बीरबल के जवाब से हैरान हो गए और उन्होंने खुद को हार मान ली। वे जान गए कि विश्वास और अच्छे कर्म ही वो चीज हैं जो हर किसी की आंखों के सामने होते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारी असली मूल्य होते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल की होशियारी को समझा और वे दोनों मित्र बन गए। यह कहानी अकबर और उनके मनोबल दोस्त बीरबल के बारे में है, जिनकी दोस्ती और बुद्धिमत्ता की बजाय एक महत्वपूर्ण सीख सिखाने का प्रयास करेगी। किसी दिन अकबर की दरबार में एक बड़ा सवाल उठा, मेरे प्रिय दरबारी, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? दरबार के सभी मंत्रियों और विशेषज्ञों ने अपने अपने तरीके से सवाल का उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन कोई सवाल का सही उत्तर नहीं दे सका। इस समय बीरबल ने अपनी तरफ से उठाया हाथ और अकबर से अनुमति प्राप्त की। अकबर बोले, हाँ बीरबल, क्या आपके पास इस सवाल का सही उत्तर है? बीरबल मुस्कराया और बोले, जी हुजूर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हम अपने जीवन को उत्तरदायी तरीके से जी रहे हैं। यह सुनकर दरबार के सभी लोग चौंक गए। इस सवाल का उत्तर इतना सरल और सही था कि सभी के चेहरों पर हैरानी छाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दरबार में इस महत्वपूर्ण सवाल के महत्व की चर्चा करने का आलम किया। इसके बाद अकबर ने सभी को यह सिखाया कि जीवन को सही और उत्तरदायी तरीके से जीने के लिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। इस घड़ी में अकबर और बीरबल ने अपने दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सीख दिलाई, जिसने उनके जीवन को सफल बनाया और उन्हें एक दूसरे के साथ गहरे दोस्त बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हम अपने कार्यों के साथ अच्छाई, मदद
और ईमानदारी को कैसे जोड़ सकते हैं। यह ही वास्तविक सफलता है। और इसी तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और बुद्धिमत्ता ने न केवल उनके दरबार में बल्कि हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख का स्रोत बना। पुराने समय की बात है, अग्रदूत सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत ही चतुर और होशियार मंत्री बीरबल का नाम था। उनकी सोच और विचारधारा किसी से भी अद्वितीय थी। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल, आज मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तू उसे हल कर सकता है? बीरबल ने सम्राट की ओर देखकर कहा, हाँ हुजूर, मैं कोशिश करूँगा, कृपया आप अपना सवाल पूछें। अकबर ने सम्राटी लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाया और पूछा, ये लकड़ी कितनी बार काट सकती है? बीरबल ने देखा कि वह लकड़ी बहुत ही पतली और हल्की थी। उन्होंने सोचा और फिर उत्तर दिया, हुजूर, इस लकड़ी को जितनी बार काटने की आपकी इच्छा होती है वह उतनी बार काट सकती है। सम्राट अकबर कुछ ही देर सोचे और फिर हंसते हुए बोले, बीरबल, तू सचमुच होशियार है, तूने यह सवाल ठीक तरीके से हल किया। बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उसे हमेशा अकबर के साथ एक खास स्थान दिलाया। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान मिल सकता है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। बीरबल की तरह हमें भी जीवन में समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए।